आपके सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम आ गया है और इस मौसम के आने से पूरी प्रकृति में एक नई प्रफुल्लता, एक नया आनंद, एक नई उमंग का जन्म हुआ। आज मैं आप सबसे उसी उमंग, उसी प्रफुल्लता और कुछ उन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जो इस बारिश के मौसम से हम सीख सकते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में मेघ छा जाते हैं और वो मेघ जल की बूंदों के रूप में बरस पड़ते हैं, और जैसे ही वो जल की बूंदें धरती पर पड़ती हैं और चारों तरफ एक नई प्रफुल्लता का जन्म होता है, एक नई आनंद छा जाता है, वृक्ष नाच उठते हैं, पंछी गीत गाने लगते हैं और एक पूरी प्रकृति हरियाली से भर जाती है। अगर हम इसको गहराई से समझें तो हम ये जो आसमान में छाए हुए बादल हैं वो करुणा के रूप में होते हैं और उनका जो वर्षा का जल है वो मैत्री के रूप में इस धरती पर बरस पड़ता है, और उस मैत्री के बरसने से एक प्रफुल्लता का जन्म पूरी प्रकृति में हो जाता है। हमारे भीतर भी वही करुणा है जो बादल बन के रहती है, लेकिन वही करुणा मैत्री बन के दूसरों के काम नहीं आती, वो मित्रता हमारी नहीं बन पाती। तो आइए इस बारिश के मौसम में हम अपने भीतर की उस करुणा को पहचानें, उसको मैत्री के रूप में उपयोग करके लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों की मदद करें, लोगों से जुड़ें, ताकि हमारे भीतर और उनके भीतर एक प्रफुल्लता का जन्म हो सके। अब अगले सप्ताह से हमें भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य दिए गए हैं उनकी इसी उमंग से, इसी प्रफुल्लता से पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। तो हमने तय किया है कि हम अगले सप्ताह से 3 दिन 3 दिवसों के रूप में मनाएंगे और लोगों के बीच में जा करके योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। सोमवार के दिन हम खुशहाली दिवस के रूप में मनाएं और डाक बचत बैंक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बुधवार के दिन हम सुरक्षा दिवस के रूप में मनाएं और डाक जीवन बीमा के माध्यम से हम आम जनता को सुरक्षा प्रदान करें, और उस सुरक्षा में केवल उनके जीवन की सुरक्षा नहीं है, उनके परिवार की समृद्धि नहीं है, बल्कि बचत के लिए भी प्रोत्साहन है। तो वह सुरक्षा उनको किस प्रकार से बचत प्रदान करेगी, यह काम आप लोग उनको समझाने का काम करें। तीसरे दिन शुक्रवार के दिन हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाएं। हमारे एक बहुत महान महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय की संकल्पना दी थी कि आखिरी व्यक्ति के उदय के लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा के माध्यम से हम उस आखिरी व्यक्ति के उदय के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बारे में गाँव में, खलिहान में किसानों को, महिलाओं को बताने का काम करें, ताकि वह अपने जीवन में उस सुरक्षा को अपना सकें। क्योंकि आज कोविड के बाद हमारा जीवन कितना है हमें किसी को भी नहीं पता है, तो इस बात को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि अधिक से अधिक लोग इंश्योरेंस का लाभ ले सकें। और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से हम समाज में एक नई उमंग, एक नई प्रफुल्लता लाने का काम कर सकें। अभी यह बातें आपको इतनी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाके काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी करुणा को मैत्री बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो एक नई प्रफुल्लता ना केवल आपके भीतर पैदा होगी बल्कि लोगों के भीतर भी पैदा होगी, और ये बारिश का मौसम उसका जीता जागता गवाह है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हमारे 5 उपसंभाग के सभी साथियों को, कि आप लोग अगले सप्ताह से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुशहाली दिवस, सुरक्षा दिवस और अंत्योदय दिवस के रूप में मनाकर हमारी योजनाओं का जन जन तक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी मानसून।